स्टार्ट करेंगे यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट से जो दिया गया है दियर आर टू स्ट्रांड रन एंटी वन इन फाइव टू थ्री डायरेक्शन एंड द अदर इज इन थ्री टू फाइव डायरेक्शन राइट तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन फर्स्ट बिकॉज डीएनए मॉलिक्यूल में जो दो स्ट्रैंड्स हैं बेसिकली वो एंटी पार्लर होते हैं एक जो है इस पे रन करता है फाइव टू थर्ड डायरेक्शन में एंड द अदर रंस इन थ्री टू फाइव डायरेक्शन और इसका जो है एंटी पैलर अरेंजमेंट होता है ड्यू टू द बेस पेयरिंग दिकॉज डीएनए स्टैंड जो हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं आफ्टर दैट देखेंगे सेकेंड स्टेटमेंट सेकेंड स्टेटमेंट हमें दिया गया है द अमाउंट ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स एंड पिरीमिड इन न्यूक्लियोटाइड इज़ नॉट ऑलवेज एकवल तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो यहाँ पे इनकरेक्ट दिया गया है बिकॉज जो अमाउंट है प्यूरिन और पेरीमिडीन न्यूक्लियोटाइट्स का वो इक्वल होता है प्यूरन्स जो हैं वो हमारे होते हैं एडनिन एंड गोअानिन और जो पेरीमिडीनस हैं वो हमारे होते हैं साइटोसिन एंड द थमीन आर एन ए में जो थान है ये रिप्लेस राइट और हम जानते हैं कि जो एडेनिन है ये बाइंड करता है यहाँ पे विद विदीन और जो ग्वानोसिन ये बाइंड करेगा विद साइटोसिन ओके आफ्टर दैट देखेंगे थर्ड स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट जो है वो हमें दिया गया है यहाँ पे दियर आर टू स्ट्रैंड्स विच रन पार्लर इन फाइव टू थ्री डायरेक्शन तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो यहाँ पे इनकरेक्ट होता है बिकॉज फर्स्ट स्टेटमेंट में ही हमने डिस्कस किया कि जो दो स्ट्रैंड हैं ये एंटी पार्लरली रन करते हैं देखेंगे लास्ट स्टेटमेंट विच इज एडेनिन तो इन रिलेशन टू तो थाइमीन वेराइज विद वे द ऑर्गेनिज्म राइट तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पे इनकरेक्ट होता है बिकॉज जो परपोशन है एडेनिन और थान का ये चेंज नहीं होता है इन रिस्पॉन्स टू तो द ऑर्गेनिज्म ऑन दैट बेसिस करेक्ट आंसर रिमेन ऑप्शन फर्स्ट ईयर और रेनिंग जो है वो यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन दिए गए हैं ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर